बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक न्यू मुखालफे से मुतारफ करवाऊंगा जी। सऊदी अरबिया में भाई रोज़ बरोज कोई ना कोई नया मुखालफा ही आ जाता है सामने हमारे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो भाई न्यू जाते हैं, ये मेरी बात तमाम परदेसियों के लिए अहम होगी जी। जो भाई न्यू जाते हैं, खासकर वहाँ पर जाकर ड्राइविंग सीख लेते हैं या गाड़ी चलानी आती हो तो ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम जब सऊदी में गाड़ी चलाई और मैंने इशारा भाई रेडी था और इधर उधर कुछ भी नहीं था, मैंने क्रॉस कर दिया। कैमरे नहीं थे उस टाइम ना, कुछ मखसूस जो होते थे ना इशारे, उनके ऊपर कैमरे होते थे तो इशारा ही काट दिया। लेकिन उस टाइम भाई ऐसे मामला चल जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं आपको ये ग्रामर भी दिखा देता हूँ। मैं अभी तो आपकी मिसाल के तौर पर छोटी सी गलती, मिसाल के तौर पर आप पानी वाली बोतल पी रहे हैं गाड़ी में बैठे, कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, आपके ऊपर फाइन है। आप पानी वाली बोतल पी रहे हैं, आप बाहर फेंक रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, आपके ऊपर ₹300 का फाइन है। भाई हर चीज के ऊपर उन लोगों ने जुर्माने मुतारफ करा दिए हैं। अच्छा, बात आपको ये बताने वाला था, मैं दमाम में था। इंटरेस्टिंग किस्सा है, छोटा सा सुनते जाइए। दमाम में था हम, और दमाम शारा फितामीन, उसके साथ हमारी रिहाइश थी और आर्मी एरिया अस्करी के अंदर हम काम कर रहे थे। अस्करी की हमारी मेरी परमिशन बनी हुई है, कसर सलाम जो जद्दा कॉर्निश में है वहाँ पर उसकी और अस्करी के इदारों की मेरी परमिशन बनी होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हम जिधर मर्जी जाकर काम कर सकते थे। अच्छा, अस्करी के अंदर हम काम कर रहे थे, शारा फितमिन के ऊपर हमारी रिहाइश थी। शारा फितमिन से 2 इशारे छोड़कर आगे भाई दमाम का बल्द है बंगाली मार्केट। तो बंगाली मार्केट में हम भाई देख रहे हैं कि पठान भाई आ रहे हैं, शायद पाकिस्तान से नए आए थे या गाड़ी किसी की पकड़ी और पता नहीं था रूल का। भाई अभी चुरस्ता है, यानी कि ऐसे और ऐसे, वो इस तरफ से आया, इशारा बंद से उसने शायद क्रॉस किया, उसको कैमरा लगा सामने वाला, उसने बोला हो कैमरा लग गया तो गलत हो गया, बैक गया, इस तरफ जाने लगा, इधर का भी इशारा, फिर कैमरा लग गया, ओ हो भाई इधर का भी कैमरा। अभी पठान है समझ नहीं आ रहा, अभी बैक आया, फिर सामने जाने लगा, फिर तीसरा कैमरा लग गया, 3 कैमरे उस बंदे को लगे। और हम भाई हंस हंस के दूरे हो रहे जा रहे थे, यार ये बंदा कैसा है यार, तेरे को एक कैमरा लग गया गुजर जा, 3 कैमरे उसी इशारे के ऊपर उसको लग गया। तो ये चीज़ होती है, बहरहाल एहतियात करें। बात ये है जी, मुखालफे के मतलब बात कर लें तो वो आपको साथ में मैं दिखा रहा हूँ जी, आप पिक्चर से ही समझ सकते हैं क्या है। अब देखें, आप रोड के ऊपर कोई भी ऐसी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, चाहे शिरके की है, चाहे कंपनी की है, चाहे आपकी कफील की है, भाई ग्रामा आपके इकामे के ऊपर होगा, आपके नाम के ऊपर होगा, आपको ये पे करना पड़ेगा। इसमें आपकी गाड़ी पीछे भाई ब्लैक, ब्राउन, वाइट कोई भी धुआं छोड़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्लैक नहीं, भाई कोई भी गाड़ी आपका कोई भी किसी भी कलर का धुआं छोड़ रही है ना, तो शुरते ने आपको देख लिया, वो पकड़ेगा और ₹500 से लेकर ₹900 तक का आपको फाइन करेगा, नीचे वाली साइड पर लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। तो तमाम भाई ड्राइवर हजरात खासकर, और कोई भी ऐसी गाड़ी को हाथ मत लगाएं जो कबाड़ हो और बैक साइड पर धुएं छोड़ती हो। पाकिस्तान में तो कुछ कुछ नहीं है, रक्षे इतने इतना धुआं छोड़ जा रहे, चीन के बंदा देख 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 कर हैरान होता है, लेकिन भाई सऊदी में मामला बरक्स है।